बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, गुज़श्ता रात कराची के एक बड़े होटल में डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज और M&P के दरमियान होने वाले माहदे की तफसीलात से दोस्तों को, डीलर्स को आगाह किया गया और इसमें एक तकरीब का इनेकाद था और इस तकरीब में खसूसी तौर पर डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आसिफ खान, CEO ज़िशान कुरैशी बनफ्स नफीस मौजूद थे, उनकी जो हमरा थे, उनकी टीम के कुछ अराकीन, इसी के साथ जो बहैसियत मेज़बान के उन्होंने डिप्लॉय ग्रुप ने अपने मेहमानों को खुशामदीद कहा, यानी M&P के जो शिरका थे इसमें उनके CEO कामरान निशाद साहब थे, डायरेक्टर टेलीकॉम जो है अब्दुल वाइस साहब थे, फैसल रजा साहब थे, ज़िशान अमानुल्ला था, सुमेरा साहिबा थी और भी बहुत सारे हमारे दोस्त थे उनके हमरा। और ये तकरीब स्टार्ट होते ही मीडिया टॉक सबसे पहले कराई गई, जिसमें पाकिस्तान की टॉप चैनल्स जो काम करते हैं और सोशल मीडियास की जो नुमाइंदे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इसमें गुफ्तगू करते हुए डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आसिफ खान ने माहदे के मुतालिक बताया कि अब जो है वो डिप्लॉय ग्रुप एज़ ए प्रिंसिपल काम करता रहेगा और यहाँ पर जो असम्बलिंग के राइट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट हैं डिप्लॉय के दो मरकज़ी ब्रांड जिसमें स्पार्क्स है और एक्स मोबाइल है, उसके हकूक़ M&P के सुपुर्द कर दिए गए हैं। और उन्होंने इस बात पर अपनी खुशी का इजहार किया कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त माहदा है, इसके रोह से हम आगे चलेंगे। इसी के साथ जो M&P के CEO हैं कामरान निशाद साहब और डायरेक्टर अब्दुल वाहिद साहब ने भी प्रेस ब्रीफिंग जो थी उसमें ख़िताब किया और बड़े तफसीलन हर सवालों के जवाब दिए। खसूसी तौर पे अब्दुल वाहिद साहब जो है वो उनकी जो जवाब हैं बहुत सारे सहाफ़ियों से, उन्होंने पूछा कि आपको ये पूछना चाहिए और ये पूछना चाहिए, तो उनके जवाब दिए। उन्हें बताया कि भाई ये जो है डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पर ये काम कर रहा है, उसकी वजह ये है कि वो खुल के अपने दीगर काम जो है वो करता रहे और यहाँ पर नए से नए मॉडल्स, इनकी नई जिद्दत, डिवाइसेस और आगे के मनसूबबंदी के लिए उन्हें वक्त दिया गया है, बाकी ज़िम्मेदारी हम अदा करेंगे। और उन्होंने जो M&P और डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से खुशी का इजहार किया। वहाँ ये भी बताता चलूँ आपको, ज़िशान कुरैशी साहब जो CEO है डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने भी अपना मुख्तसर ख़िताब किया और इस बात पर ज़रा रोशनी डाली कि ये क्या ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था ये माहदे के तहत। तो माहदे पे उन्होंने खुशी का इजहार किया और सहाफ़ियों को और दोस्तों को और डीलर्स को आगाही दी, बहुत सारी जो चीज़ें उनके जहन में दौड़ रही थी उसके मुतालिक। उसके बाद जो है सबों को इनवाइट किया गया और तकारीरें हुई स्टेज से, जिसमें जो डिवाइस के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए सारा जो मुस्तकबिल में आने वाले हैं, आसिफ खान ने बहुत तफसीली इसमें गुफ्तगू की और बड़े जामा गुफ्तगू की। उन्हें बताया कि ये सारी पोजीशन किस लिए चल रही है, कहाँ जाने हैं, क्या पोजीशन है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ये बताई और शुक्रिया अदा किया कि आज जो इस पोजीशन पे हैं इसमें हमारे दोस्तों का, चाहने वालों का, हमारे डीलर्स जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। अपनी टीम का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया स्पेशली कि आज जिस मकाम पे डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज खड़ा हुआ है उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। इसी के साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया M&P के कामरान निशाद साहब का, अब्दुल वाहिद साहब और उनकी टीम का, और शाना बशाना चलने की यकीन दहानी की हर मसले पे। यहीं
कामरान निशात साहब ने मुख्तसर और अब्दुल वाहिद साहब स्टेज पे जा ना सके पैर की तकलीफ़ के बाइस, तो उन्होंने मुख्तसर खिताब में आगाह किया कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मुस्तकबिल के हवाले से क्या क्या उनके मंसूबे बन है उसके मुतालिक बताया। मैं ये भी बताता चलूँ कि आखिर में ज़िशान कुरैशी साहब ने नए मॉडल्स की मुतालिक आगाही दी, स्मार्टफोन में, फीचर फोन में, 4G फ़ोन में सब उन्होंने जो है बड़े कम रेट पे बड़ी फीचर्स उनके और जो आने वाले मॉडल्स हैं उनके मुतालिक आगाही दी। इस बात की यकीन दहानी MNP ने भी की कि अब यकम 3 तारीख से यानी मंडे के दिन से 3 नवंबर से भरपूर तरीके से वो अपना काम करेंगे और स्टॉक मार्केट में दे दिया जाएगा MNP की तरफ से स्पार्क्स और एक्स मोबाइल का। बहुत जदीद मॉडल्स निकाल रहे हैं स्पार्क्स वाले, ज़िशान कुरैशी साहब ने जो ब्रीफिंग दी, और इंतहाई कम दाम पर जो मार्केट के वो हैं 6+6 हैं और दीगर बहुत सारे नए मॉडल्स आ रहे हैं, कुछ पुरानों को भी नए अंदाज में पेश करने का मंसूबा है। तो देखें यहाँ ये भी बात मैं एक बताता चलूँ आप दोस्तों को कि डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो क्योंकि MNP उनके साथ इस मामले में एज ए पार्टनर के तौर पे काम करेगी यानी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और असम्बलिंग प्लांट्स के तौर पर, तो इस तकरीब में जो गैर मुल्की दौरा कराने जा रहा है डिप्लाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये जनवरी में ले जाने की वजह कई जो है उसमें कुछ निजी मसरूफियात हैं कामरान निशात साहब की और आसिफ खान साहब की। वीज़े इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में आ जाएंगे लोगों के जो दिए, 107 लोग जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बेकार की है। इजाज़त चाहता हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।